नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर। और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। मई महीने के अंक में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के परिप्रेक्ष्य में देश में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक सी बात है। विशुद्ध मौलिक विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्य की अपनी अहमियत है, लेकिन जन सामान्य के रोजमर्रा व्यवहारिक जीवन में अगर किसी विधा का सीधा वास्ता पड़ता है तो वो है प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी का विस्तार अब सर्वव्यापी है। ये बताने की जरूरत नहीं कि इसके छोर एक तरफ अंतरिक्ष की ऊंचाई छूते हैं तो दूसरी ओर आम पारिवारिक जिंदगी, यहाँ तक कि सुदूर ग्राम्य जीवन शैली का भी अभिन्न अंग बन गए हैं। वी आर बिल्डिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू कनेक्ट ओवर 1.3 बिलियन इंडियंस। यू हैव ऑल हर्ड ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन। यूपीआई is the world's most efficient payment infrastructure today. We are using digital technology to transform lives in all sectors of governance, from health and welfare to inclusion and empowerment. We are one of the largest consumers of data per capita. We are paving the way for India to lead the next technology revolution. We are on our way to connect 600,000 villages with broadband. We are investing in developing capacities in 5G, IoT and क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। और अत्यंत खुशी की बात यह है कि प्रौद्योगिकी विदों के सक्रिय समूह में देश के विभिन्न अंचलों की महिलाओं, युवाओं और यहां तक कि बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। सामूहिक जीवन को अधिक सुगम बनाने की दिशा में इन सबके नवोन्मेषी प्रयास वाकई अनुकरणीय है। इन्हीं अवलोकनों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला राजधानी में 11 मई को आयोजित भव्य नेशनल टेक्नोलॉजी डे समारोह में, जहां नेशनल टेक एक्सेलेंस पुरस्कार वितरित किए गए। पुरस्कार विजेताओं की फहरिस्त मात्र देखने से देश के विविधतापूर्ण इनोवेशन इकोसिस्टम का अंदाजा आप लगा सकते हैं। साथ साथ हमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की महत्ता को भी याद करना चाहिए, ताकि नई पीढ़ियां भी देश की विज्ञान यात्रा के अहम पड़ावों से अवगत रहें। 1998 में 11 मई के दिन ही भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए और विश्व के समक्ष अपने सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। वो ही क्षमता, वो ही आत्मनिर्भरता आज देश के अन्य क्षेत्रों में परिलक्षित हो रही है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी अनुसंधान की दिशा में। पत्रिका का ये अंक समर्पित है इसी सामूहिक जज्बे को। सुनते रहिए विज्ञान भारती। सोचकर देखिए, कोई प्रतिभावान छात्र अपनी मेहनत से आईआईटी करने के बाद पीएचडी करने के लिए अमेरिका के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में चयनित हो तो पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके लिए कौन सी राहें बाहें पसारे उसका स्वागत करेंगी? संभावनाएं तो अनगिनत हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ऐसे कुछ छात्र तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र तक में करियर बनाने की होड़ में सक्रिय दिखाई देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो देश लौटकर यहीं पर किसी शहर में किसी उच्च संस्था के साथ जुड़कर आगे चलकर देश का नाम रोशन करते हैं। उनमें से भी कुछ विरले ही होते हैं जो सीधे यहाँ किसी ग्रामीण इलाके में बसकर अपनी शिक्षा विद्वता का उपयोग ग्राम्य जीवन को सुगम बनाने की दिशा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक विरले व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी हैं प्रौद्योगिकीविद, पर्यावरणविद, नवोन्मेषक डॉक्टर अनिल राजवंशी,
जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजवंशी फलटण महाराष्ट्र में निम्बकर कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं। आगामी विश्व पर्यावरण दिवस की दस्तक होते ही ग्राम्य जीवन से जुड़े अपने दशकों पहले के अनुसंधान प्रयास उन्होंने पत्रिका के साथ साझा किए। तो जब हम शिशु में आए तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम थी, तो हम कंदीलों पढ़ते थे, लैंटर्नों पढ़ते थे। तो लैंटर्न जो थी वो 1870 में बनाई गई थी। तो हमने कहा कि ये कैसी अजीब सी चीज़ है, इतनी पुरानी लैंटर्न जो है उसका कोई बेटरमेंट ही नहीं हुआ है। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हमने उस पर काम करना शुरू करा और फिर भारत सरकार से हमें थोड़ा योगदान मिला एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एनर्जी से, और उस पर हमने एक बहुत बड़ा काम किया और उसकी वजह से वो नूरी लैंटर्न बनी। तो नूरी लैंटर्न जो बनी उसको फिर सरकार को दिखाया, सब बहुत कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन इतने में सरकार की चीज़ें चेंज होती नहीं, केरोसिन उन्होंने बंद कर दिया, जगह जगह वो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाते रहे, तो वो लैंटर्न का काम जो था फिर भी हमने उसको रोका नहीं। दूसरा हमने ये देखा कि यहाँ पर फलटन में गन्ने की खेती होती है, और गन्ने की खेती होने के बाद में गन्ने को जब हार्वेस्ट करते हैं तो जो उसका पाचट है और जो उसकी लीव्स हैं उनको यहाँ पर किसान जो थे वो डालकर उसमें आग लगाते थे, क्योंकि वो वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो आग लगाने में एक तो पोल्यूशन होता था और दूसरा इतना यूज़फुल एनर्जी वेस्ट होती थी। तो हमने उस पर काम करना शुरू करा और हमने बहुत बड़ा काम किया और दुनिया का पहला गैसीफायर बनाया जो कि शुगर केन लीव चलता था। और इन सभी चीज़ों में मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि हमने चीज़ों को देखा, सोचा और उस पर काम किया, तो इन सब चीज़ों में हम करीब 20-25 साल अहेड थे। और 20-25 साल अहेड होने से एक नुकसान ये होता है कि कोई तवज्जो नहीं करता है, और उसके बाद में आपने इन्वेंट कर दिया, कोई उसको आगे बढ़ाता नहीं है। और आज जो है यूपी दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है रेसिड्यूज बर्न करने का, अब वो समझते हैं कि जो हमने काम किया था उसका कितना यूज़फुलनेस है। फिर हम लखनऊ से आते हैं तो वहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो रिक्शा था, और हमेशा हमें ये लगता था कि वो बहुत बेकार की चीज़ है, क्योंकि वो 1920 से कोई उसका इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ। और मैं समझता था कि एक आदमी जो है बेचारा दूसरे आदमियों को कंधे पर ले आता है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। 1990s में इलेक्ट्रिक मोटर्स आने शुरू हो गए थे, तो हमने कहा कि हम क्यों ना इसको इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाए। उस समय दुनिया में कोई नहीं सोचता था ई रिक्शा के बारे में, तो हम पहले संस्था थे जिसने ई रिक्शा को बनाया। तो 1995 से हमने शुरू किया और 2000 में इंडिया की फर्स्ट ई रिक्शा हमने बनाई, इनफैक्ट हो सकता है कि दुनिया की पहली ई रिक्शा। और उसके बाद में ये बहुत फैला ई रिक्शा, ये बहुत यूज़फुल है, नॉन पोल्यूटिंग है। तो इस तरह की चीज़ें जो थी हमने बहुत करी जिससे आगे बढ़ा। दूसरा जो था, जब हमने ये पाचट काम कर रहे थे तभी हमने सोचा कि जब पाचट के अलावा बहुत से और भी रेसिड्यूज़ होते हैं जो कि किसान जलाते हैं जब हो जाता है, क्यों नहीं इससे पावर बनाई जाए। तो ये हमने एक बड़ी स्टडी करी, हमने एक प्रोग्राम बनाया कि तालुका एनर्जी सेल्फ सफिशेंसी, और ये बड़ी हमें खुशी है कि वी आर द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ दिस प्रोग्राम और भारत सरकार थ्रू MNRE ने इसको चलाया। और आज जो है देश में अगर बायोमास एनर्जी प्रोग्राम है तो वो हम समझते हैं कि हमारी वजह से आया, और वो उस प्रोग्राम से भारत सरकार ने सारे देश में तालुका बायोमास प्रोफाइल तैयार करी, जैसे हमने किया था फलटन के लिए, ऐसे सारे देश में हर तालुका के लिए कितना वहाँ पर बायोमास प्रोड्यूस होता है जिससे कि कितनी हम पावर बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से करीब 150 पावर प्लांट्स ऐसे लगाए जा चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि और भी लगाए जा सकते हैं जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा और एनर्जी भी बनेगी। तो इस तरह से हमने बहुत चीज़ें करी। फिर हमने अपनी लैंटर्न का काम छोड़ा नहीं, हमने लोगों से बात करी जो गरीब लोग थे, तो उन्होंने कहा साहब हमें दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो लाइटिंग की और दूसरी जो है अच्छे ईंधन की, अच्छे स्टोव की। तो हमने दोनों को कंबाइन किया और एक नई डिवाइस प्रोड्यूस करी, लैंड स्टोव। लैंड स्टोव का मतलब होता है लैंटर्न कम स्टोव दोनों। तो ये सोचा कि भाई क्यों नहीं अपना ही ईंधन बनाया जाए, और वो था एथेनॉल। तो एथेनॉल का
काम जो था मैं समझता हूँ दुनिया में पहला हमारा था कि जो हम अपने आप ही ईंधन बनाएंगे और उसको ही यूज़ करेंगे। एथेनॉल जो है बहुत ही यूज़फुल फ्यूल है और सरकार जो है अब कह रही है कि कार में चलाओ, लेकिन मैं समझता था और अभी समझता हूँ कि घर के लिए ये बेस्ट फ्यूल है बिकॉज नॉन पोल्यूटिंग और हम बना सकते हैं। तो इस पर हमने काम किया, तो इस पर काम करने पर हमें स्वीडन में स्टॉकहोम में बहुत बड़ा पुरस्कार मिला। इसके जैसे हमने काम किया इससे सारी दुनिया में इसका प्रचार हुआ और बहुत से देश हैं आज जो इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। वो ये हमेशा बोलते हैं कि ये सब काम जो था वो निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हुआ। तो ये अच्छा लगता है कि बहुत सी चीज़ें जो कि हमने शुरू करी और उसके बाद में जो है वो आगे बढ़ी। डॉक्टर अनिल राजवंशी का कथन भारतीयता, यहाँ के चिंतन बल्कि आध्यात्म के तौर पर भी सार्थक प्रतीत होता है। और मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों को राइट फ्रॉम बिगिनिंग स्पिरिचुअलिटी, नॉट रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करवाना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हमारे पास टीचर्स हों। उसको अगर एक कोर्स बना दिया जाएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। वी शुड इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट द ग्रेट स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस ऑफ दिस कंट्री। और जब स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस लर्न करेंगे तो हमें इस धरती से लगाव होगा क्योंकि इसी धरती ने प्रोड्यूस किया है। और जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ थॉट है जो कि मैनकाइंड को किसी भी देश ने दिया। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मे बी आई एम बायस्ड, और इस पर मैंने बहुत लिखा है। मेरे करीब 150 आर्टिकल्स छपे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, स्पीकिंग ट्री में, मेरी 2 पुस्तकें हैं। और क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मैंने ये सोचा कि स्पिरिचुअलिटी प्लस टेक्नोलॉजी विल प्रोड्यूस सस्टेनेबिलिटी एंड हैप्पीनेस, और यही जो है फोकस है मेरी लास्ट बुक का। उसका नाम है एक्सप्लोरिंग द माइंड ऑफ गॉड, हाउ टेक्नोलॉजी गाइडेड बाय स्पिरिचुअलिटी कैन प्रोड्यूस हैप्पीनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। और मैं समझता हूँ कि ये एक नया पैराडाइम है डेवलपमेंट का, भारत के लिए नहीं सारे दुनिया के लिए। स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको विजडम देती है कि जो भी आप काम करेंगे उसको सोच समझ के करेंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाती है, सिंप्लीफाई करती है, अच्छा करती है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अनिल राजवंशी को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य, सचिन प्रभु ने। पत्रिका की शुरुआत में हमने जिक्र किया था टेक्नोलॉजी और आम व्यक्ति के जीवन की सुगमता के अंतर संबंध के बारे में। इस अनूठे रिश्ते को ढूंढते हुए पत्रिका पहुंची खूबसूरत शहर अहमदाबाद। भीषण गर्मी के कहर का सामना करने का संघर्ष क्या होता है, ये वो क्या जाने जो एसी या कूलरों की छत्र छाया में पले बढ़े हों। और ये बात देश के अधिकांश भागों पर लागू होती है, खासतौर पर मई जून के महीनों में, बल्कि इन दिनों दुनिया के कई भूभागों में भी। शायद तभी संयुक्त राष्ट्र ने अपने हीट एक्शन प्लान के तहत कूल रूफ टेक्नोलॉजी को एक मानवीय मुद्दा बनाया। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है तो सिर्फ श्वेता और शीतल, सफेद रंग जो हमें ठंडक प्रदान करने की क्षमता रखता है। इस अनूठे रंग के सामर्थ्य और सामाजिक उपादेयता के पहलुओं को टटोलती है हमारी अगली प्रस्तुति। आइए सुनते हैं श्वेता और शीतल की कहानी। रसायन शास्त्री प्रोफेसर मयूर शाह। गर्मी के मौसम आते ही सब लोग अपने घर की छत को वाइट रंग से रंग देते हैं। हम सब लोग ये जानते हैं कि वाइट रंग प्रकाश और गर्मी को परावर्तित करता है और काला रंग उसे अवशोषित करता है। अब हम सफेद रंग की बात करते हैं, वो हमने बताया वैसे 7 रंगों का बना हुआ है। यदि सफेद रंग वाली चीज पर कोई भी रंग का प्रकाश आपात होता है तो वो उसको परावर्तित करता है, क्योंकि जो रंग का प्रकाश उस पर आपात हो रहा है वो रंग सफेद रंग में सम्मिलित है, तो वो जो भी रंग प्रकाश गिरेगा तो
तो उसको अवशोषित नहीं लेकिन परावर्तित कर। उससे आगे बढ़े तो हम बात करते हैं सनलाइट की। सनलाइट का रंग सफेद होता है, इसलिए हमारे सफेद वस्त्र सनलाइट को परावर्तित करते हैं। यदि मैं टेरेस पर ओनली सफेद चूना बोलते हैं लाइन उसको लगा दूं तो मेरे घर से जो छत जो है वो गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, अवशोषित नहीं करेगी, जिसके कारण उस घर में मैं रहूंगा तो मुझे गर्मी कम लगेगी। चूना क्या बार बार लगाए, दो महीने में फिर से लगाए, बारिश आ जाए बीच में गर्मी की सीजन में तो चूना चला जाएगा। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, चाइना मैजिक लगा रहे हैं। चाइना मैजिक क्या है, जो ग्लेज टाइल्स होती है हमारी टॉयलेट में और बाथरूम में लगती है, जो शाइनिंग वाली होती है, उससे छोटे छोटे पीस बनाकर व्हाइट कलर में चाइना मैजिक करते हैं। तो हमारा लेयर व्हाइट हो गया और उसमें क्या है, सोना पे सुहागा क्या हो गया कि वो जो टाइल्स होती है वो शाइनिंग वाली होती है। यदि सफेद कलर में कोई शाइनिंग मिल जाती है तो वो सनलाइट है उसका रिफ्लेक्शन और बढ़ जाता है, तो उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें कूलिंग ज्यादा मिलेगा। तो इसकी वजह से वो लोग चाइना मैजिक भी लगाते हैं। हमारी छत के लिए सफेद रंग मिलता है, कई कई कंपनियों ने वो निकाला है और वो क्या करते हैं, अपने हम लगा देते हैं व्हाइट कलर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है कि हमने थोड़ा बहुत कूलिंग एजेंट डाले हैं तो उसके हिसाब से वो अभी ज्यादा चल रहा है। लेकिन सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत तो एक ही है कि सफेद सपाटी व्हाइट सरफेस जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। स्वयंसेवी संगठन से जुड़ी भावना महेरिया। महिला हाउसिंग ट्रस्ट कूल रूफ टेक्नोलॉजी पर तो 2010 से काम कर रहा है, जिसमें अब बहुत अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोगों ने पायलट की है और बहनों के पास से हमारे पास डिमांड भी आ रही है। हमारे पास जितने सॉल्यूशंस हैं उसमें सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो हमारी कम्युनिटी की बहनें अफोर्ड कर पाए वो सॉल्यूशन का नाम है सोलर रिफ्लेक्टिव व्हाइट पेंट। सोलर रिफ्लेक्टिव व्हाइट पेंट जो होता है वो लगाने की वजह से इंडोर टेम्परेचर करीबन 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो जाता है। ये लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है, जैसे जो बस्ती में रहने वाले लोग होते हैं उनकी जो घर होता है वो घर की डिजाइन इस तरह से होती है कि आसपास में रहने वाले लोगों का कॉमन दीवार होता है, तो वो दीवार कॉमन होने की वजह से वो कोई रोशनदान वहां पर बना नहीं सकते। और उनकी जो छत होती है वो टीन शीट यानी पत्रा हम जो बोलते हैं, पत्रे की शीट होती है, सीमेंट की शीट होती है, तो उसकी वजह से गर्मी उनको बहुत ज्यादा लगती है। तो ये पेंट ऐसा है कि बहुत ही ईजीली आप लगा सकते हो, उसमें आपको पूरा छत निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो पेंट है उसका जो आयुष्य हम बोलते हैं वो 3 साल का है। आपने एक बार उसको लगा दिया तो आप 3 साल तक आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पेंट लगाने के लिए कोई ऐसी स्किल लेबर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और ये पेंट हर एक सिटी में अभी अवेलेबल है। सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट जो है उसका अभी हम करंट रेट गिने तो 25 रुपीज पर स्क्वायर फीट होता है। 10x10 का एक कमरा लेते हैं तो उसका टोटल 2500 रुपया जितना खर्चा बहन को करना पड़ेगा, बट उसका जो लाइफ है वो 3 साल का है। श्वेता और शीतल, स्वराज सौजन्य, भास्कर जोशी, आकाशवाणी अहमदाबाद। पत्रिका की शुरुआत में हमने इस बात का भी उल्लेख किया था कि आजकल बच्चे भी वैज्ञानिक सोच से इतने अभिभूत हैं कि उनकी उपलब्धियां बड़ों तक को चौंका दे। जालंधर के बालक मेधांश कुमार गुप्ता ने तो ऐसे ऐसे एप्स विकसित किए जिनका सीधा संबंध जन सामान्य के हित के साथ जोड़ा जा सकता है। नन्हे सीईओ मेधांश कुमार गुप्ता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी अलंकृत हैं। पत्रिका के साथ अपनी कुछ बातें साझा करते हुए मास्टर मेधांश, जो एक सोचने वाली बात है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने सीखा वो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा एंड लेटर ऑन अब जैसे हम मान लो जो कोविड वाले सॉफ्टवेयर हैं तो वो ऐसा सिचुएशन मेरे मन में आया बिकॉज लोगों में एक बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा था जो फर्स्ट वेव आई थी इंडिया में 2020 में। तब मेरे मन में आया कि क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए ताकि जो
लोगों का थोड़ा पैनिक है वो कम हो सके, लोगों तक एक अवेयरनेस पहुंच सके। और भी सॉफ्टवेयर्स मैं बना रहा हूँ एंड जैसे अभी कुछ मैं प्रोजेक्ट्स भी अपने लॉन्च कर रहा हूँ, मिशन विशाल पंजाब जिसमें मैंने पूरा पंजाब भ्रमण किया, उसके अलावा और जो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं लाइक एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ मिशन आत्मनिर्भर जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोडिंग बच्चों को सिखा रहा हूँ, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्सेज को, बिकॉज यू नो कि कोर्सेज बहुत महंगे हैं आज की डेट में कोडिंग के, लाइक 30,000-50,000। बट मैं उन बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके अंदर एक जील है बट उनके पास फाइनेंशियल एक सोर्स, तो इस बच्चा जब बच्चे को पढ़ा रहा होता है तो बच्चे फन भी करते हैं, तो उसके अंदर फिर हम अपनी कुछ बच्चों वाली बातें भी करते हैं एंड ऑल, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब एक बहुत फन होता है उस क्लास के अंदर। एक से 1.5 लाख एप्लीकेशन आई थी, उनमें से उन्होंने 623 बच्चों का आई थिंक नियर अबाउट बच्चे सेलेक्ट किए थे, तो उनसे सारी डिटेल्स मंगवाई थी एंड देन फर्दर उन 623 के अराउंड बच्चों को भी फर्दर सेलेक्ट किया गया, जिसमें से टोटल इस बार 29 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें से एक विद गॉड्स ग्रेस मैं भी था। तो वहाँ पे जैसे सारी सिलेक्शन कम्प्लीट हो गई देन उसके बाद हमारी रिहर्सल्स वगैरह चलती रहती थी, जो उनकी मेन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की टीम है उनके साथ हमारी बातचीत चलती रहती थी 2-3 दिनों तक, कोई टाइम नहीं पता होता था, बस उनका जब भी कॉल आ जाए। तो लेटर ऑन जब ये जो बिग डे था, जिस दिन हमने NIC में DC ऑफिस में जाके बात करनी थी प्रधानमंत्री जी से, तो उस दिन बहुत ज़्यादा एक नर्वसनेस थी, बट स्मृति ईरानी मैम थोड़ी देर पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंस एंटर कर गए थे एंड उनसे हमने थोड़ी बहुत बातचीत की, बिकॉज 29 बच्चों में से भी सिर्फ 6 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जो प्रधानमंत्री जी से बात कर सकते हैं, उनमें से भी एक मैं था, थोड़ा बहुत मतलब फन टाइप किया बच्चों के साथ, तो हमारा तो थोड़ा सा हो गया बिकॉज हमारे को पता नहीं था कि हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। उनका एट द सेम मोमेंट जब हम बैठे थे DC ऑफिस में, तभी उनका कॉल आया कि मिधान से सिलेक्टेड है प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए, तो आप रेडी हो जाइए। तो मतलब इट वॉज लिटरली शॉकिंग, एकदम इन्होंने प्राइवेट रखा हुआ था, इवन जो बाकी बच्चे थे उन 6 के अलावा उन सबको भी नहीं पता था, उनकी क्यूरियोसिटी थी कि हमारी बात होगी या नहीं होगी, तो इस तरीके से पूरा हुआ। प्रधानमंत्री जी से जब बात की मैंने, तो उन्होंने मैंने सारी बातें सुनकर कि जो भी मैंने काम किए हैं, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपको देखकर ऐसा मुझे लग रहा है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो हम लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तरक्की की ओर जा रही हैं, खासकर जो डिजिटल इंडिया का हो गया एंड उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे कहा कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ाएं, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस था। ऐप और सॉफ्टवेयर विजर्ड मेधांश कुमार गुप्ता को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य, परमजीत सिंह, आकाशवाणी जालंधर। पक्षाघात पैरालिटिक स्ट्रोक के मरीजों की फिजियोथेरेपी को सुगम करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने एक 3D प्रिंटेड ग्लव विकसित किया है। 28 मई पूरे विश्व में मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित इस मुहिम का हैशटैग है #WeAreCommitted। इधर 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम है बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। संयोग से 20 मई को वर्ल्ड बी डे भी मनाया जाता है। जैव विविधता बनाए रखने में मधुमक्खियों की अति महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना इस दिवस का मूल उद्देश्य है। पिछले दिनों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में इस क्षेत्र का अहम योगदान रहा है। अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में
क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे आईआईटीज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। आज यानी 25 मई को महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और शिक्षाविद सर आशुतोष मुखर्जी की पुण्यतिथि है। देश में आधुनिक वैज्ञानिक सोच और शिक्षा के प्रसार में उनके अतुलनीय योगदान को नमन करते हुए संपन्न होता है राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका का ये अंक। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।